नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। केवीएस जीएसए का काफ़ी बच्चों से इंतज़ार था आप लोगों का कि आंसर की कब आएगी, तो आंसर की और रिस्पांस की आपकी दोनों आ चुकी है। सबसे पहले वेबसाइट पे आपकी रिस्पांस की अपलोड की गई थी और बाद में आपकी आंसर की भी अपलोड कर दी गई है। काफ़ी बच्चों को परेशानी हो रही है, सुबह से मैसेज आ रहे हैं सर कैसे चेक करें, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं और चेक करने में उनको दिक्कत आ रही है। तो मैं बता रहा हूँ कि आपको रिस्पॉन्स की कहाँ से डाउनलोड करना है और आपको आंसर की कहाँ से डाउनलोड करना है, फिर आपको चेक कैसे करना है और जो भी आपका स्कोर है उस स्कोर को पूरा का पूरा एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो एक गूगल फॉर्म है, उस फॉर्म को आप लोग सभी लोग फिल करिएगा, तभी हम एग्जैक्ट कट ऑफ बता पाएंगे कि कौन कौन बच्चे जो हैं सीपीटी के लिए और टाइपिंग के लिए एलिजिबल होंगे। तो फॉर्म जरूर फिल करिएगा सभी लोग अपने आंसर मैच करने के बाद, तभी हम एग्जैक्ट कट ऑफ बता पाएंगे। एक मोटा मोटा हम बता देंगे कि आपको कि कितना कट ऑफ वाले आपके सेफ हैं, कितने नंबर वाले सेफ हैं। रही बात कुछ प्रश्न जो आपके डाउट वाले हैं, क्योंकि यहां पर आपको क्लेम भी करना है और क्लेम करने में ₹1,000 एक प्रश्न का लग रहा है, तो कुछ बच्चे तो ये सोच के कि अरे इसको क्लेम करें कि ना करें, ₹1,000 चार प्रश्न हो गए, 4,000 चले गए आपके। तो पहले आप उस प्रश्न को संस्था के जो नंबर हैं आपके नीचे चल रहे हैं नंबर, किसी भी नंबर पे आप व्हाट्सएप करें कि सर ये मुझे डाउट लग रहा है इस प्रश्न पे, इस पर आप अपनी राय दीजिए, तो जो भी हो सकता है हम बताएंगे आपको, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा पैसे बर्बाद ना हो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कैसे आंसर की को देखना है। केवीएस की वेबसाइट आप खोलोगे, ये मेरे सामने खुली है, केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट, यहां पे आओगे, यहां पे आपको जो दिख रहा है यहां पर जब नोटिस चल रही है आपका नोटिस रिगार्डिंग डाउनलोड, यहां पर इसको नोटिस को अगर पढ़ोगे तो यहां से डाउनलोड आपका एक नोटिस होगा, पीडीएफ होगा। इस पीडीएफ को हम लोग देखो ओपन करते हैं। इस पीडीएफ में आपको क्या लिखा गया है, ब्राइटनेस थोड़ा सा कम कर लें। इस पीडीएफ में आप देखोगे तो यहां पर आपको बोला गया 1/3 से 11/3 तक रहेगा, इसमें आपका एसएससी स्टेनोग्राफर जेएसए पीआरटी री एग्जाम का भी आंसर किसी में है, ठीक है। उसके बाद से बोला गया ₹1,000 यहां पर चार्ज आपको दिया गया है और आपसे क्या बोला गया है कब तक आप क्लेम कर सकते हो, 20/3/2023 तक, ठीक है, 20 तारीख तक आप क्लेम कर सकते हो। चैलेंज आंसर की विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन ओनली थ्रू द लिंक अवेलेबल इन वेबसाइट, कब तक 20 तारीख तक आपके चैलेंजेस एक्सेप्ट होंगे, ये सब आप पढ़ लिए। अब आपको कहां से आंसर की या रिस्पॉन्स की देखनी है वो आ जाओ, होम पे हम आए, यहां देखो जब आपको नोटिस वाला आपने कर लिया, नोटिस वाले पे आपने आपको पता चल गया कि कितना दिन तक रहेगा, उसके बाद से आपका यहां पे आ रहा है देखो कि रिस्पॉन्स की, यहां पर देखो हाँ एक अभी आपका आएगा, ये नोटिस वाला हो गया, यहां से आप करोगे तो आपको आंसर की यहां से रिस्पॉन्स की मिलेगा, क्लिक हियर टू अटेम्प्ट वाला जो है ना, अटेम्प्ट वाले पे करोगे तो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। अब क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, आप कहीं से डाउनलोड कैसे करोगे, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपको पता हो तब कर सकते हो, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से इस पर क्लिक किए, यहां पे आओगे, सब कुछ फिल करने के बाद नीचे आपको जब ओपन होगा आपका ना, आपका जब ये फॉर्म नीचे ओपन होगा, ओपन होने के बाद यहां पर नीचे आता है कि रिस्पॉन्स की अपना डाउनलोड करिए, यहीं पे आपकी रिस्पॉन्स सीट आती है, तो रिस्पॉन्स सीट आप यहां से डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। रिस्पॉन्स सीट जब इसको फिल करके साइन इन करोगे तो यहीं एकदम नीचे आएगा आपका रिस्पॉन्स सीट, इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद अब आते हैं कि आंसर की कैसे डाउनलोड करें, ठीक है, हाँ अब आते हैं हम लोग आंसर की कैसे डाउनलोड करें। तो आंसर की के लिए आंसर की के लिए आते हैं, आंसर के लिए जो दूसरी लिंक आपकी यहां पर चलेगी, देखो इसी पे आते हैं, अभी जो दूसरी लिंक इसमें है इसके जस्ट बाद वाली लिंक है व्यू चैलेंज आंसर की, आंसर की वाले पर क्लिक करोगे यहां पर ये आया, इस पे जब जाओगे तो आपका रोल नंबर पूछेगा, तो यहां रोल नंबर भरना है ना कि एप्लीकेशन नंबर भरना है, तो यहां रोल नंबर डालोगे और डीओबी डालोगे अपना, डेट ऑफ बर्थ, लॉगिन करोगे तो आपकी आंसर की पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगी। अभी मैं बताऊंगा कि दोनों कैसे होती हैं, आपको आंसर कैसे मैच करना है। तो ये आंसर की आ जाएगी आपकी, दो चीजें हो गई, एक आपका क्वेश्चन पेपर, एक आपका आंसर की। अब मैच कैसे करना है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, मैच आपको कैसे करना है
यहां पे मैंने एक ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। देखो एक रिस्पॉन्स सीट है किसी बच्चे की, ये मैं डाउनलोड कर रहा हूं, ठीक है, ये रिस्पॉन्स सीट है, अभी ये ओपन होगी, ओपन कर रहे हैं इसको, ये ओपन हो रही है रिस्पॉन्स सीट। इसमें देखते हैं पहला इसका जो सेक्शन है, पहले तारीख का पेपर है ये, 1/3/2023 का, 10 बजे पहले शिफ्ट का है, शिफ्ट वन यहां पे लिखा हुआ है आपका। पहला क्वेश्चन आपका अंग्रेजी का है, देखो यहां पर पहले क्वेश्चन का यहां ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन यहां पे, जो पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है, तो यही चार ऑप्शन है। और यहां पे आपका दिया गया कि आपने क्या ऑप्शन क्लिक किया था, आपने कौन सा ऑप्शन लगाया था, तो इसका आंसर आपने, बच्चा ने जो आंसर दिया वो चौथा ऑप्शन दिया था, उसकी आईडी लिखी है, तो आईडी से कोई मतलब नहीं है, आंसर गिवन आपने जो आंसर दिया है चौथा है। तो अब उत्तर कुंजी देखेंगे, आंसर की खोलेंगे, थोड़ा लंबा प्रोसेस है मिलाने का, तो आंसर की अब हम खोलेंगे, तो आंसर की में आते हैं, यहां देखो आंसर की आपकी ये वाली है, ये वाली आंसर की पीडीएफ है, उसी शिफ्ट की ओपन हो जाए। मैं बता दे रहा हूं कि कैसे आपको चेक करना है, और आपको पेन पेपर लेके लिखते जाना कि आपके कितने सही हो। देखो इसमें भी ये आंसर की है, पहले तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट की, जेएसए की, तो इसमें भी आपका क्या दिया गया है कि पहला सेक्शन इंग्लिश का है, पहला क्वेश्चन उसका आंसर जो होगा चौथा सही है, और बच्चे ने भी चौथा ही आंसर लगाया था, बच्चे का भी चौथा आंसर था, तो इसका मतलब ये आपका करेक्ट हुआ, ये आपका करेक्ट हुआ। ऐसे ही फिर से जाओगे, फिर से आप क्या करोगे, सेकंड वाला आप खोलोगे ऐसे, हाँ, फिर से रिस्पॉन्स शीट में जाओगे, इसको ओपन करोगे, ओपन करोगे तो दूसरा वाला देखो, दूसरे वाले का आंसर किया है, बच्चे ने आंसर दिया एक है, ठीक है, आपने आंसर दिया वन, और फिर से जब आंसर की आप चेक करोगे, जाकर आंसर की चेक करोगे, तो आंसर की में देखते हैं दूसरे का आंसर क्या है, दूसरे का आंसर क्या है हम लोग देखते हैं, हाँ, दूसरे का आंसर चेक करो, दूसरे का आंसर तीन है और बच्चे ने दिया था आंसर एक, तीन है, बच्चे ने एक दिया, तो ये आपका एक गलत हो गया, ये प्रश्न आपका गलत हो गया, क्योंकि आयोग का आंसर तीन है और आपने आंसर एक दिया, तो आपका एक गलत हो गया। तो ऐसे मार्क्स करते चले जाओ, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, आप इसी तरह अपने आंसर की और रिस्पॉन्स की को मैच कर सकते हो कि कितना आपका सही हो रहा है। तो जितना भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, ये सभी आप लोग मार्क्स अपने जो है वो क्या करिएगा, गूगल फॉर्म, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म लगा हुआ है, उस गूगल फॉर्म में आपसे पूछेगा किस शिफ्ट के हो, ठीक है। अभी आपको हार नहीं मानना है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के एक वीडियो मैंने केवीएस का डाला है और अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन होता है, जो हार्ड शिफ्ट होती है, क्योंकि पेपर में काफी चेंजेस देखने को मिले थे, मैथ्स आपकी टफ थी, तो कहीं ना कहीं नंबर आपके बढ़ेंगे जो टफ शिफ्ट होगा, आसान शिफ्ट वालों को तो कोई फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन टफ वालों को मिलेगा। तो गूगल फॉर्म भरिए, अपना डेट ऑफ एग्जाम उसमें भरिए कि आपका डेट ऑफ एग्जाम कब था और आपका शिफ्ट कौन सा था, शिफ्ट के बाद आपके करेक्ट क्वेश्चन कितने हो रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं तो आप करेक्ट क्वेश्चन भरिएगा कितने हो रहे हैं, फिर हम आपको एग्जैक्ट कट ऑफ बताएंगे। लेकिन इतना मान के चलो, जिनके भी क्वेश्चन 90 प्लस सही हैं, ठीक है, जिनके भी प्रश्न 90 से प्लस ऊपर हैं, वो आप एकदम निश्चिंत हो, एकदम निश्चिंत हो, बाकी तो आपके नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड करता है कि आप कितने, कौन सा टफ, कौन सा शिफ्ट हार्ड था ताकि उसका इंक्रीज होगा, और कौन सा शिफ्ट जो है आपका आसान था, आसान में भी अगर 90 से प्लस हो तो आप निश्चिंत रहो कि आपको कहीं ना कहीं टाइपिंग सीपीटी के लिए बुलाया जाएगा। और डिफिकल्ट में अगर किसी के नंबर कम आ रहे हैं क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा डिफिकल्ट है, तो भैया मैं तो यही बोलूंगा कि आप लोग जो भी 85 और 80 के अप्रोक्स में हो, वो कहीं ना कहीं तैयारी रखो, हो सकता है आपका भी बुलावा आ जाए, ये तो सियोरिटी है, लेकिन ये वाले भी कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी टाइपिंग और सीपीटी के लिए आ सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बहुत बेहतरीन तरीके से यहां पर होता है, अच्छे खासे नंबर इंक्रीज होते हैं। अगर आपको अभी भी कोई समस्या है, जो आंसर की को देखने से आपकी समस्या था वो मैंने बता दिया कि आपको कैसे चेक करना है, और भी कोई समस्या है तो आप वीडियो के कमेंट में जरूर को कमेंट करिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान हो। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, और आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो आपका गूगल फॉर्म दिया गया है उसको जरूर फिल करिए, तभी हम एग्जैक्ट कटऑफ बता पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा ले रहा हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।